ये बैठक किस लिए की गई है और इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? महिला मोर्चा की कुछ औरतों को बुलाया है ताकि उनको जो है उनके स्वागत में कुछ हम आयोजन कर सके और इनमें हम लोग कुछ वितरण कर सके, जैसे कि इनको अभी जो वस्त्र दिया गया वो वितरण किया गया है और उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में इनको बुलाया गया है और मैं चाहती हूँ कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूँ। तो इनके लिए जो है मतलब मेरी ऐसी श्रद्धा है कि मैं एक समाज सेवा में जो है अपना योगदान देना चाहती हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ, कर्नाटक बैंगलोर में मैं रिलायंस ग्रुप की डायरेक्टर हूँ और वहाँ बहुत टाइम से मैं समाज सेवा कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि अपने उत्तर प्रदेश में ही मैं अपनी सेवा का लाभ दूँ और इन महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं मैं उनको कुछ मतलब जितनी भी समस्याएं हैं उसमें कुछ का निराकरण मैं कर सकूँ। आपके केंद्र कहाँ कहाँ हैं यहाँ प्रदेश में? हम देखिए लायंस क्लब तो मेरा बैंगलोर में ही है, रहती मैं वही हूँ। यहाँ पे मैं अपने कॉलेज की प्रबंधक हूँ, किस कॉलेज की? विभागीय महिला मंत्रालय जी। तो मैं यहाँ आती रहती हूँ लेकिन हमने यहाँ पे कोई केंद्र नहीं बनाया है। मैं चंपा देवी सेवा ट्रस्ट की मैं ट्रस्टी हूँ और उसी के तहत मैं अब यहाँ पर जो है सेवा करना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं आपने की है? आपके संगठन और संस्था क्या करेगी? महिलाओं के लिए देखिए बैंगलोर में तो काफी कुछ हम लोग करते रहते हैं, प्रदेश के कर्नाटक प्रदेश के लिए हम लोग जैसे कि सरकारी स्कूलों में जो है अनाज का वितरण, उनकी क्या समस्याएं हम लोग करते हैं, महिलाओं को किस तरह की समस्या निजी तौर पर आती है वहाँ तक हम लोग हमारी महिला टीम पहुँचती है और हर एक क्षेत्र हम लोग बैंगलोर शाजापुरा में लायंस क्लब के लिए काम करते हैं और वहाँ के मतलब जिस जिस क्षेत्र में जो जो क्षेत्र है वहाँ पे सारी महिलाएं जो जहाँ लोग नहीं पहुँच सकते हमारी टीम वहाँ पहुँच। क्या नाम है आपका? सीमा।